हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग, होप करता हूं गाइस आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे भाई। तो फिलहाल गाइस अभी देखो बज रहा है भाई सुबह के 11 एंड भाई साहब आज हम लोग जा रहे हैं भाई अपनी अल्काज़ार की सर्विस कराने के लिए, क्योंकि आज हमारी गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल चुकी है भाई। तो फाइनली उसका सर्विस भी आ गया 50,000 पे। ये तो भाई जीशान भी अभी सो के उठ रहा है भाई इतना लेट, क्योंकि ये रात में ये लोग जागे थे ना सब लोग, मस्जिद में हम लोग रात भर जागे थे। और समीर को देखो अभी तक ही सो रहा है भाई, अभी सोया पड़ा हुआ है ये मस्त। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भाई साहब समीर तो अभी सो रहा है, बट मैं सोच रहा हूँ भाई जीशान को लेके जाते हैं भाई वहाँ पे। कहाँ पे? सर्विस कराने का। मैं नहीं जाऊँगा। अब देख तू, अब तू गया बेटा। क्यों? नहीं मैं नहीं जाऊँगा। क्यों? दोस्तों के साथ आज पार्टी करने जा रहा हूँ। कहाँ? मैगी पार्टी। हाँ। कैसा पार्टी, किस खुशी में पार्टी, ऐसे और क्या? तो चलेगा नहीं साथ में? नहीं। ये तो भाई जीशान बोल रहे हैं आज ये लोग जा रहे हैं भाई मैगी पार्टी करने के लिए, मैं सोचा था भाई इसको लेके जाऊंगा। तब चल तू जा पार्टी करना। और सुन घर पे जल्दी आ जाना। अरे फैसल भाई मिस्ट्री बॉक्स। अच्छा हाँ। तो एक्चुअली गाइस अभी जा रहे भाई सर्विस कराने, सर्विस करा के आते हैं उसके बाद आपको बताते भाई कि क्या अपडेट है भाई मिस्ट्री बॉक्स का। हम लोगों ने बट फाइनल कर लिया है कि हम मिस्ट्री बॉक्स मंगा रहे हैं भाई, फाइनली अपना मिस्ट्री बॉक्स जल्दी आ जाएगा जीशान भाई, मजा आएगा। क्या क्या निकलेगा ये देखना है भाई, क्या क्या निकलेगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग मंगा रहे हैं। सो लेट्स सी गाइस। तो अभी आके आपको बताते हैं क्या सीन है क्या नहीं। तो चलो गाइस फटाक से निकलते हैं सर्विस करा के आते हैं। एंड गाड़ी में सनरूफ भी अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो गया भाई, मतलब सनरूफ खुल ही नहीं रहा है, उसका एरर आ रहा है। तो सनरूफ भी दिखाना है और भी कुछ काम आ गया भाई गाड़ी में, और सर्विस भी करानी है। फाइनली भाई साहब अभी देखो जस्ट हम लोग सर्विस सेंटर पे पहुंच रहे हैं भाई। तो अभी देखो सारा काम अपना हो रहा है भाई, और अपने रुद्र भाई भी आए हैं भाई यार। क्या हाल है? तो अभी भाई फटाक से सारा काम करवाते हैं, कल फिर अपनी गाड़ी लगेगी सर्विस पे। तो अभी देखो भाई अपनी गाड़ी का इंस्पेक्शन हो रहा है भाई कि क्या क्या दिक्कतें आ रही है भाई गाड़ी में। तो अपना ब्रेक वगैरह भी थोड़ा सही से नहीं लग रहा था, और भी दो तीन चीजें थी भाई। अभी चला वाला के चेक करेंगे, उसके बाद फिर सर्विस पे जाएगी भाई गाड़ी। भाई साहब फिलहाल देखो अभी हम लोग बैठ के वेट कर रहे हैं भाई, अपने गाड़ी का काम चालू हो चुका है, फाइनली सर्विस वगैरह चालू हो चुकी है। एंड अभी हम लोग यहाँ पे कॉफी बैठ के एंजॉय कर रहे हैं भाई, अपनी गाड़ी अभी यहाँ पे साफ सफाई हो रही है भाई। जैसे ही ये कम्प्लीट होता है उसके बाद फटाक से निकलते हैं भाई घर पे, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं, अब शाम भी हो चुकी है भाई। भाई साहब देखो शाम के बज चुके हैं भाई 5:30, अब जाके हमारी गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हुई है भाई, मतलब लिटरली भाई 4-5 घंटा लग गया हमको। तब हम लोग डायरेक्ट निकल रहे हैं भाई यहाँ से घर के लिए, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, बहुत ज्यादा लेट हो गया लिटरली। सर्विस करवा लो ना तो गाड़ी ऐसी लगती है भाई अभी अभी शोरूम से निकल के आई है, समझ लो लेकिन पूरा दिन समझ लग गया इसी में भाई। तो फाइनली अपनी गाड़ी अभी देखो सर्विस होके आ चुकी है भाई, अब देखो बाहर से एकदम चमक रही है भाई। तो फाइनली भाई अभी देखो हम लोग घर पे पहुंच चुके भाई, अभी शाम के बज चुके भाई 6, फाइनली सर्विस वगैरह भी अपनी गाड़ी की हो गई भाई, लिटरली पूरा दिन हमारा लग गया। जीशान क्या हुआ, तेरी मैगी पार्टी हुई कि नहीं? एकदम पार्टी फुल खतरनाक हुई। जानता है क्या हुआ है मैगी पार्टी में? क्या? मैंने ना मिर्ची ढेर सारी डाल दी थी और तीखा हो गया था। चीटिंग 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 करता है तू। और पानी भी नहीं था, सब लोग रोने लगे थे, इतना तीखा लग रहा था, सब तीखा खाना खिला दिया सबको। मैगी लेकिन खतरनाक बनी थी, सब लोग बोल रहे थे। अब हम लोग का प्लान ये बना है ना कि हर संडे को हम लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे, नया पार्टी करेंगे। मुझे ही बुलाना नेक्स्ट संडे में, दावत देना मुझे। हाँ एंड भाई साहब हम लोगों ने बोला था आप लोग को मिस्ट्री बॉक्स का अपडेट देंगे भाई, तो हम लोगों ने फाइनल ये किया भाई कि मिस्ट्री बॉक्स हम लोग ऑनलाइन नहीं मंगाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें देखी है, फ्रॉड भी होता है भाई ऑनलाइन वगैरह में। तो भाई हम लोग का प्लान ये है ना कि मैं एक बंदे को जानता हूँ जो कस्टमाइज करके हम लोग को भेज देगा भाई मिस्ट्री बॉक्स। बोल देना अच्छी अच्छी चीजें रखेगा उसमें, आईफोन आईफोन। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया तो मिस्ट्री बॉक्स कैसा रह गया? अरे तो भी रख देगा। तो यस भाई हमारा यही प्लान है भाई, अब देखते हैं उसको ऑर्डर कब देते हैं हम लोग भाई, बट जैसे ही होगा ना आपको कंफर्म कर देंगे भाई। तो हम लोगों ने बट फाइनल कर लिया कि मिस्ट्री बॉक्स हम लोग मंगाएंगे भाई, वो कितना आएगा सब आपको पता चलेगा आने वाले व्लॉग्स में। जीशान तब तो मजा आ जाएगा ना जब मिस्ट्री बॉक्स आएगा भाई, उसको सारा अनबॉक्स करेंगे भाई, मजा आएगा। और कहीं कुछ तगड़ी चीज निकल गई तो मेरा हो जाएगा वो। तो फिलहाल भाई दिस इज डे 2 भाई, कल हम लोग गए थे अपनी गाड़ी का सर्विस कराने के लिए, तो फाइनली हम लोग आ गए थे भाई, बट रात ज्यादा हो गई थी। एंड पता है भाई अभी जा रहे हैं हम लोग डर्ट बाइक चलाने भाई सुबह सुबह। तो ये तो भाई जीशान ने निकाल लिया भाई अपनी डर्ट बाइक एंड जा रहे चलाने आज बहुत दिन बाद भाई अपनी डर्ट बाइक। चैन उतर गई भाई, ये तो भाई साहब जीजान वीली कर रहा था, चैन ही उतर गई, साइड ले साइड ले, फंस गया चैन, फंस गया। वीली खतरनाक हो रही थी भाई, एकदम तगड़ी उठी थी लेकिन ये चैन उतर गया वरना चलता। हाँ भाई साहब तगड़ा वीली किया भाई जीशान, लग रहा है सीख गया है। ये लो भाई फाइनली चैन भी चढ़ गया भाई, ये देखो हाथ पूरा गंदा हो गया मेरा भाई। भाई साहब आज डर्ट बाइक से ना क्या खतरनाक वाला स्टंट हो रहा है भाई, मतलब वीली वगैरह हम लोग सब मार ले रहे भाई।
फाइनली भाई साहब देखो हम लोग घर पे पहुंच चुके भाई और जीशान ने भाई आज क्या खतरनाक व्हीली मारा है भाई डर्ट बाइक से, मतलब मजा आ गया भाई। मैंने भी मारा बट मुझसे उतना अच्छा से नहीं हुआ भाई, बट जीशान ने तगड़ा भाई व्हीली किया है। वल्ला भाई समीर आज जीशान ने बहुत तगड़े व्हीली मारे है भाई। व्हीली को मारा है? हाँ व्हीली को मार के आया है। एंड हाँ भाई साहब हम लोगों ने बोला है कि डर्ट बाइक को मॉडिफाई भी करवाएंगे, तो कंफर्म हो गया भाई ये भी डर्ट बाइक को ही मॉडिफाई करवाएंगे। और अपना जो मिस्ट्री बॉक्स आने वाला था वो भी हम लोगों ने फाइनल कर लिया है, तो आने वाले व्लॉग्स में आपको अपडेट मिलता रहेगा भाई। बस जल्दी हम लोग ऑर्डर लगा देंगे जहां से हमको करवाना है भाई मिस्ट्री बॉक्स का काम। तो यस एंड भाई साहब आप सभी लोगों को मैंने एक चीज दिखाई नहीं भाई, ये देखो हम लोगों ने लेके आया भाई डंबल। आजकल मैं वर्कआउट करता हूँ भाई घर पे ही बैठ के मस्त एकदम। मैं तो बोलता हूँ तू जिम ज्वाइन कर ले, जिम जाए। हाँ बॉडी वॉडी एकदम मस्त बना ले, मसल वसल सिक्स पैक भाई। मुझे क्या बोलते हो गाइस आप लोग, मैं जिम जाऊँ क्या भाई? अगर जिम जाओगे ना मस्त बॉडी वॉडी बना लूंगा। मुझे भी लेके चल, मैं भी बॉडी बना लूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं बॉडी पता नहीं क्यों बनेगी नहीं मुझसे, उतनी मेहनत होगी नहीं। बट जो भी है भाई मैं घर पे उतना वर्कआउट करता हूँ भाई, हो जाता है पता है 1.5 घंटे अब डेली वर्कआउट करता हूँ। ये देखो भाई साहब ये रहा अपना डंबल। एक्चुअली मैं 1.5 घंटे डेली करता हूँ भाई, लगभग 5-6 दिन से। रमजान में ही मैंने स्टार्ट किया है, मैं डेली अब करता हूँ। रमजान में एकदम मस्त वाला डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद जिम भी कर रहे हैं, मतलब घर पे ही बैठ के भाई। दोनों 2.5 किलो का है। कितने लगा दिए ये? तो भाई जीशान डंबल उठाने जा रहा है, जितने किलो का ये होगा उतना डंबल ही होगा भाई। चल लगा भाई, पिछवाड़े से निकल गया इसके। छी छी फिर पादा छी 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 भाई पीछे से निकाल दिया ये तो। चल 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 उठा लेगा चल रख दे भाई, तुझसे नहीं होगा भाई। सब हम भी जिम वगैरह ज्वाइन करेंगे बट अभी नहीं भाई, कुछ मंथ्स बाद भाई ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है। एक्चुअली अपने इधर अच्छा खासा जिम नहीं है ना, नहीं तो हम ज्वाइन कर लेते भाई। उसके बाद थोड़ा बॉडी शॉडी बनाते, मतलब मुझे बॉडी शॉडी वैसी नहीं बनानी है, बस थोड़ा सा फिट रहना है भाई, तो इसीलिए घर पे वर्कआउट करते हैं भाई। करना भी चाहिए, आप लोग भी किया करो भाई घर पे। अगर नहीं कर पाते हो तो रनिंग करो, साइकिलिंग करो, ये सारी चीजें करो भाई। फैसला है मुझे भी बॉडी बनानी है। दिखा अपने डोले दिखा, ये देखो भाई जीशान जा रहा है अपने डोले दिखाने के लिए भाई। डोले ये क्या? एंड भाई साहब आजकल मौसम काफी तगड़ा हो गया, मतलब ठंड एकदम बिल्कुल जा चुकी है, मिड में है समझ लो भाई। ठंड भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, मस्त वाली। और ये लो भाई हम किचन में आ गए। ये क्या ढूंढ रहा है भाई तू? ए मेरा यहाँ पे वो रखा था कस्टर्ड। हाँ भाई ये रहा भाई, ये रहा कस्टर्ड। अभी जा रहे हैं हम लोग कस्टर्ड खाने के लिए भाई, पीने के लिए सॉरी, खाने के लिए नहीं। फिलहाल भाई साहब अभी देखो इमरजेंसी में हमको कहीं पे जाना पड़ रहा है, एक्चुअली एक शादी में जा रहे भाई हम लोग, मैं अब्बू और बस उनके फ्रेंड्स लोग थे थोड़े, तो अभी फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं भाई। अब शादी में लेट हो जाएगा भाई, तो इसलिए मैं सोचा कि व्लॉग एंड ही कर देते भाई। बाय द वे अभी कर देते भाई इस व्लॉग कहीं पे एंड, अभी शादी में जा रहे हैं, पता नहीं कब आएंगे कब नहीं। और हाँ एक कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलो गाइस टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।